हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो गाइज आज हम जाने वाले हैं आज एक ऐसे गांव के अंदर जिस गांव के अंदर ना लोग आज भी इसी टाइम के अंदर पुराने मकानों में रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ना पुराने टाइम के अंदर लोग किस कैसे मकानों में रहते हैं। उस गाँव के अंदर ना कच्चे मतलब गोबर या मिट्टी उनसे मकान बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि ना एक दो मकान, तो पूरे गांव के मकान की छत ना छत के ऊपर मतलब कि ना एक भी सीमेंट की नहीं बनी हुई है। सारी की छतें मतलब कि ना पुराने टाइम में जिस टाइम में ऊपर डले होते हैं ना खेलू, वैसे उस टाइम का मकान बना हुआ है। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पे और आप सभी को दिखाएंगे, लेकिन हम किस जगह जाने वाले वो आपको थोड़ी देर आगे बाद में पता लगने वाला है। तो अब चलते हैं साथ में और हम चलने वाले इस बाइक के ऊपर। तो जिस जगह हम जा रहे हैं उस गांव के अंदर, वो उस गांव का नाम है देवमाली। अभी आप देख सकते हो अभी इस जगह से करीबन 25 किलोमीटर है और अभी जिस जगह खड़ा हूँ मैं वो है विजयनगर। और इधर ये विजयनगर से आगे अजमेर जाने का रास्ता है और इधर सामने भिलवाड़ा का, और ये रास्ता है ब्यावर जाने का, ब्यावर और मसूदा। इस रास्ते से जाने वाले हम गांव के अंदर। तो चले चलते हैं अब आगे। गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं देवमाली गांव के अंदर और अभी आप देख सकते हो पीछे यहां से मकान स्टार्ट हो चुके हैं यहां पे। लेकिन सारे मकान देख सकते हो कच्चे बने हुए हैं, पक्के मकान एक भी नहीं है। और अभी आगे चल के दिखाते हैं आप सभी को कि ना गांव पूरा गांव कि ना कितना बड़ा गांव है। कच्चे मकानों में क्यों रहते हैं लोग यहाँ पे, पक्के मकान क्यों नहीं बने हुए यहाँ पे, इसकी जानकारी अभी आपको आगे देने वाले हैं अभी हम। अभी देख सकते हो यहाँ पे ये दुकान है किराने की दुकान, और ये भी मतलब कि ना गोबर और मिट्टी से बनी हुई है, ये भी पक्की नहीं है बिल्कुल भी। तो गाइज अभी आपने देखा होगा कि ना यहाँ पे लोग सारे मतलब कि ना कच्चे मकानों में रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ना यहाँ पे कि ना इन लोगों के पास शायद पैसा नहीं होगा इसलिए कच्चे मकान बनाए हुए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ के लोग गरीब है इसलिए लोग कच्चे मकान बनाते हैं, वो कच्चे मकानों में रहते हैं, इनके पास पैसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि ना ऊपर अभी आप देख सकते हो भगवान देवनारायण जी का स्थान है ऊपर, और ऐसा है क्या ना यहाँ के लोग कच्चे इसलिए मकान में रहते हैं कि ना एक बार क्या ना कि ना भगवान देवनारायण भगवान यहाँ पर आए थे और वहाँ यहाँ पर रहने के बाद यहाँ के लोगों से प्रसन्न हुए थे। लेकिन फिर भगवान देवनारायण ने यहाँ के लोगों को बोला था कि ना आप जो भी इच्छा हो वो मांग सकते हो मेरे से, लेकिन यहाँ के गांव वालों ने कुछ भी नहीं मांगा है। और इसी से प्रसन्न होकर भगवान देवनारायण भगवान ने यह बोला कि ना यहाँ पे अगर आप सुख शांति से रहना चाहते हो अपने घरों के ऊपर एक भी छत पक्की नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आज भी लोग यहाँ पे सभी लोग इस आज्ञा का पालन करते हैं और कोई भी मतलब कि ना पक्के मकान नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे लोगों ने क्या ना कि ना इसको अंधविश्वास मानते हुए कुछ लोगों ने पक्के मकान बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि ना उनके साथ कुछ ना कुछ हानि हुई थी या कुछ घाटा हुआ था, इसी वजह से फिर लोगों ने यहाँ पक्के मकान अभी तक बिल्कुल भी नहीं बनाते। यहाँ की जो ज़मीन है लोगों की वो मतलब कि ना खुद किसी भी एक भी इंच मतलब कि ना किसी इंसान के नाम पे नहीं है। गांव वालों की सारी ज़मीन है भगवान देवनारायण के नाम पर है। अभी गाइस अभी अपन चलते हैं ऊपर देवनारायण के स्थान पर, ऊपर देव भी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर मंदिर के सामने यहाँ पे। अब यहाँ से लेते हैं प्रसाद फिर चलते हैं मंदिर की ओर। तो गाइस प्रसाद ले चुके हैं और अब चलते हैं हम ऊपर की ओर। Thank you.
यहाँ पे अभी देख सकते हो आप कि ना कितना श्रद्धालु आ चुके हैं। और यहाँ पे जो मेन दिन है वो है शनिवार को, शनिवार को ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, बाकी कम आते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे हैं बुनाजी महाराज, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे। भगवान देवनारायण भगवान का जो मेन मंदिर जगह पे, और अभी आप दिखाता हूँ अंदर। और भाई अभी आप चलते आगे, और यहाँ पे माला कितनी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा। यहाँ पे सवाई बोझ महाराज जी का मंदिर, और साधु माता जी है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हम मंदिर के सबसे ऊपर टॉप पर है, और यहाँ से जो गांव का व्यू आ रहा है ना बहुत सुंदर लग रहा है, गांव भी देख सकते हो आप पीछे। और अभी हम सबसे ऊपर है, गांव का व्यू देख सकते हो अभी आप, कितना सुंदर गांव लग दिख रहा है यहाँ से। सरकारी जो चीज़ें हैं, हॉस्टल या सरकारी चीज़ें बनी हुई वही सिर्फ पक्की है, बाकी जो लोग रहते हैं वो जगह कच्ची है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे चट्टानों के ऊपर चढ़ पा रहे हैं। तो भाई यहाँ से इतनी मस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। अब चलते हैं वापस नीचे की ओर। चल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करेगा। ठीक है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय बाय। कच्ची कच्चे गो ना, क्या बोल मतलब कि ना किसी लोग को बहुत सारे